ग्रेटर नोएडा कैंपस का इस वीडियो में हम रिव्यू करने वाले हैं, क्योंकि मैंने कॉलेज के ऊपर बहुत सारे से वीडियो बनाए हुए हैं, बट हमारा ये लेटेस्ट वाला वीडियो है 2024 सेशन के लिए। बहुत सारे बच्चों का क्वेश्चन भी आ रहा था कि एक नया वीडियो बना दीजिए इस कॉलेज के ऊपर, नया अपडेट डाल दीजिए क्या है अभी का। तो शुरुआत है आपको हमारे यूट्यूब चैनल पर, माई सेल्फ चंदन शर्मा, और मैं कॉलेज का रिव्यू आप मेरे चैनल पर देख सकते हैं, प्लस काउंसलिंग का अपडेट भी मेरे चैनल के माध्यम से आप देख सकते हैं। तो स्वागत है आपको हमारे YouTube चैनल पर। इस वीडियो में हम रिव्यू कर रहे हैं नोएडा इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी NIT ग्रेटर नोएडा कैंपस का रिव्यू करने वाले हैं। NIT ग्रेटर नोएडा जो कॉलेज है आपका, ये प्राइवेट इंजीनियरिंग कॉलेज है। 2001 में ये कैंपस का शुरुआत हुआ है। कैंपस लगभग 14 एकड़ में कैंपस फैला हुआ है, 14 एकड़ में कैंपस आपका फैला हुआ है, और ये प्राइवेट ऑटोनोमस इंजीनियरिंग कॉलेज है नॉर्थ इंडिया का। ग्रेटर नोएडा में आपको और कोई भी कॉलेज ऑटोनोमस नहीं मिलने वाला है। आपको दिल्ली NCR दिल्ली के लोकेशन पे और कोई ऑटोनोमस इंजीनियरिंग कॉलेज नहीं मिलेगा। ओनली वन नोएडा इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियरिंग टेक्नोलॉजी ग्रेटर नोएडा कैंपस ही आपका प्राइवेट ऑटोनोमस इंजीनियरिंग कॉलेज है, और ये कॉलेज आपका NRF के अंदर में भी आता है और काफी सालों से आ रहा है, और उसके साथ उसको एक्रेडिटेशन मिला हुआ है NAC ए ग्रेड के साथ। उसके अलावा MBA एक्रेडिटेशन है। यहाँ कोर्सेज की बात करें, बहुत सारे कोर्सेज यहाँ पर ऑफर होते हैं। NIT के अंदर में आपका MBA कोर्स है, BTech कोर्स है, BPharma है, उसके अलावा बहुत सारे कोर्सेज देखने को मिलेगा। इस वीडियो में BTech कोर्स को लेकर हम रिव्यू करने वाले हैं। आप कटअप प्लेसमेंट हर चीज इस वीडियो में कवर कर लेंगे। डायरेक्ट एडमिशन होता है या नहीं होता, कैसे होता है, इसकी पूरी जानकारी इस वीडियो में कवर करने वाले हैं। तो नोएडा इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियरिंग टेक्नोलॉजी ग्रेटर नोएडा में अगर बात करें, यहाँ पर एडमिशन लेने के लिए जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया होता है, SC ST जो कैंडिडेट होते हैं उनके लिए 45% होना अनिवार्य है 12th में। उसके अलावा जो OBC जनरल कैटेगरी होते हैं उनके लिए 50% होना अनिवार्य है, जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया जो गवर्नमेंट के नॉर्म से रखा गया है। उसके अलावा आप एडमिशन लेने के लिए आपको JEE Mains का एग्जाम या उसके अलावा डायरेक्ट एडमिशन आप देख सकते हैं। 85% जो सीट आपका फुलफिल होता है इस कॉलेज में UPT वाले AKTU की काउंसलिंग के माध्यम से होता है। AKTU काउंसलिंग का जो रैंक वैलिड होता है आपका JEE Mains का रैंक। आपका ये काउंसलिंग जून महीने में लगभग स्टार्ट होने की संभावना हमेशा होती है। जून जुलाई में काउंसलिंग स्टार्ट हो जाता है, और यहाँ पर आपका काउंसलिंग के माध्यम से 85% सीट फुलफिल करते हैं। 15% सीट फुलफिल होता है अगर आपके अच्छे नंबर है 12th में, उसके बेसिस पे कॉलेज में डायरेक्ट अप्लाई करके आप एडमिशन ले सकते हैं। उसके अलावा आपका डायरेक्ट मैनेजमेंट कोटा के माध्यम से एडमिशन ले सकते हैं। मैनेजमेंट कोटा डोनेशन के बेसिस पर एडमिशन यहाँ पर प्रोवाइड होता है। सभी ब्रांच एक्सप्लेनेशन के अलग अलग चार्ज होते हैं, ये सारा कुछ वीडियो में नहीं बता सकते हैं क्योंकि ये चीज गलत होगा बताना, और आप वैसे पर्सनली पूछना भी हुआ तो। और यहाँ पर जो ब्रांचेस देखने को मिलेंगे, कंप्यूटर साइंस ब्रांच है, कंप्यूटर साइंस के एक्सप्लेनेशन है, EC है, बहुत सारे ब्रांचेस यहाँ पर देखने को मिलेंगे। उसके बाद अगर बात आता है यहाँ का प्लेसमेंट का, कैंपस में बहुत सारे टॉप मल्टीनेशनल कंपनी प्लेसमेंट रिक्रूटमेंट के लिए यहाँ पर आते हैं, जो प्लेसमेंट के लिए कंपनी जो कैंपस में आते हैं यहाँ पे, जिसमें आपका Amazon है, DO Lite है, TCS है, Wipro है, ऐसी कंपनी आपको कैंपस प्लेसमेंट ड्राइव के लिए देखने को मिल जाता है। यहाँ पर कंपनी की बात करें तो लगभग हर साल 300+ कंपनी प्लेसमेंट ड्राइव के लिए आता है, जिसमें से 50+ अच्छे MNC कंपनी आपको देखने को मिलेंगे कंप्यूटर साइंस ब्रांच के लिए। एवरेज पैकेज की बात कर ले तो एवरेज पैकेज आपका जो यहाँ पर है 6.5-6 लाख रुपए का एवरेज पैकेज है। हाईएस्ट पैकेज जो कैंपस से गया हुआ है 58 लाख रुपए से कॉलेज क्लेम करता है प्लेसमेंट का हाईएस्ट, बट एवरेज पैकेज जो है आपका 6 से 6.5 लाख के अप्रोक्सीमेटली आपका एवरेज पैकेज है NIT ग्रेटर नोएडा कैंपस का। तो ये रहा प्लेसमेंट की बात। अब बात कैंपस का जो लोकेशन है, कैंपस का लोकेशन आपका ग्रेटर नोएडा में लोकेटेड है, तो आपका जो नॉलेज पार्क है, नॉलेज पार्क के पास कैंपस पड़ता है। आने की जो कनेक्टिविटी है, आप नॉलेज पार्क मेट्रो स्टेशन के पास उतर के कैंपस ऑलमोस्ट जो डिस्टेंस है 700 से 800 मीटर के डिस्टेंस पर कैंपस आपका, आप पैदल भी आ सकते हैं, बाई ऑटो भी आपको वहां से मिल जाता है, मेट्रो के पास है। कनेक्टिविटी बहुत बढ़िया है, और जिस लोकेशन पर है वहां पर कॉलेज का बहुत सारा कॉलेज आपको देखने को मिलेंगे। तो कॉलेज का ही एरिया है आपका नॉलेज पार्क मेट्रो स्टेशन के पास, बहुत सारे कॉलेज देखने को मिलेंगे, तो आपका कैंपस का लोकेशन कनेक्टिविटी बहुत बढ़िया है, लोकेशन भी अच्छा है। अगर आप प्लानिंग है तो NIT ग्रेटर नोएडा को देख सकते हैं। और जो कटअप जाता है, जो होम स्टेट के बच्चे होते हैं जो उत्तर प्रदेश से बिलोंग करते हैं उनका कटअप ठीक ठाक होता है, जो आउटसाइडर जो बच्चे होते हैं उनका कटअप मैक्स टू मैक्स आपका जो क्लोजिंग होता है 3 लाख के अंदर रैंक चाहिए, तब आपको CSE ब्रांचेस का मिलने की संभावना होती है। बाकी होम स्टेट का अलग चीज है, और जो बाहर के बच्चे उनके लिए मैं बता दिया। इसके अलावा कोई भी और क्वायरी होगा, कुछ पूछना होगा, एडमिशन में आपको
दिक्कत आ रही होगी तो आप मेरे से जुड़कर अपने सोल्यूशन ले सकते हैं एडमिशन का। उम्मीद करूंगा वीडियो पसंद आया होगा तो वीडियो को लाइक कर देना और चैनल पर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना ताकि आप तक मेरे ऐसे ही और कॉलेज का रिव्यू आप तक मेरे चैनल के माध्यम से पहुंचते रहेगा।